హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎలక్ట్రీన్ ఎలక్ట్రానిక్ టెక్. సౌదీ అరేబియా కైబీ హాత్రకనసే షాక్ మారేగా కిజలియే ఇస్కా రీజన్ మేనే బతాఊంగా ఆపకో. ఉస్కా పేలే మేనే ఏక్ లైవ్ వీడియో దిఖాఊంగా మే హాత్రగా కోయి ఆబ్జెక్ట్ మే ఉస్మే స్పార్క్ మారతా హై దేఖియే పేలే. ఉస్కా బాద్ కైసే స్పార్క్ మారతా ఉస్కో తేరే మేనే బతాతా హూం. చలే వీడియో దిఖతా హూం. मैंने कारपेट ऊपर ही जा रहा हूँ. मेरा जो पैर है वो ग्राउंड नहीं हो रहा है. ठीक है, देखिए अभी मैंने टैप को टच करता हूँ, स्पार्क दिखा देगा आपको. ठीक है, एक मिनट, थोड़ा डर लगता है. एक मिनट के लाइट बंद कर, तभी आपको दिखेगा वीडियो में. मैं लाइट बंद कर रहा हूँ. देखा आप लोग उस पर, अभी लाइट मैंने ऑन कर रहा हूँ. देखिए स्पार्क मार डिस्चार्ज हो गया. अभी देखा, अभी कोई स्पार्क नहीं आएगा, नहीं डिस्चार्ज हो गया. ये वीडियो दूसरा दिन में उठाया हुआ है. ये जो डोर का हैंडल है इसमें मैं हाथ रखता हूँ, इसमें स्पार्क मार गया, देखेगा. मैं लाइट स्विच को बंद करता हूँ. बंद कर लिया. हाँ बताऊँ, ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी मतलब क्या है यहाँ पे साउथ में? ह्यूमिडिटी का परसेंटेज बहुत बहुत कम है. ह्यूमिडिटी मतलब क्या है? जो अपना जो हवा है, एयर, एयर में वाटर वेपर मॉइस्चर, कितना मॉइस्चर मिक्स है, मतलब रेशियो ऑफ एयर एंड वाटर वेपर. जितना मास ऑफ वाटर वेपर इन एयर, उसी को ह्यूमिडिटी परसेंटेज बोलता है. ठीक है, इसका यहाँ पर ह्यूमिडिटी परसेंटेज बहुत कम है, उसको आरगच परसेंट बोलता है. आरगच मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ठीक है, अपना इंडिया में क्यों शक नहीं मारता है? अपना इंडिया में ह्यूमिडिटी का परसेंटेज ज़्यादा है. यहाँ पे देखिए, इंडिया में ऐसे रहेगा आपका एयर में ह्यूमिडिटी परसेंटेज, जो प्लस नेगेटिव मैंने दिखाया. ये हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर का परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है, मैक्सिमम आरगच परसेंटेज यहाँ पे. ठीक है, सऊदी अरब में आपका ड्राई एयर मतलब उधर में उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, वाटर मॉलिक्यूल्स मॉइस्चर उसमें बहुत बहुत कम है, यहाँ पे ड्राई एयर है. ठीक है, जो इसलिए कैसे इसमें शक नहीं मारता है, शक मारता है वो देखेंगे. ये देखें, जहाँ पे मैक्सिमम परसेंटेज आपका मॉइस्चर रहेगा एयर में, तो वहाँ पर यहाँ पर एक आदमी मैंने फ़ोटो दिया हूँ. ये नीचे देखिए ब्राउन कलर स्क्वायर, ये मान लीजिए इंसुलेटर, मान लीजिए अगर शू वगैरह जो भी हो, जो एयर में आपको जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको थ्रू अपना बॉडी और ग्राउंड न्यूट्रल, दोनों ग्राउंड के न्यूट्रल हो जाता है. ठीक है, न्यूट्रल. सो यहाँ पे चार्जिंग होने कोई चांस नहीं है, क्योंकि अपने हमेशा बॉडी न्यूट्रल साथ न्यूट्रलाइज रहेगा. ठीक है, मॉलिक्यूल्स थ्रू वो कनेक्ट हो रहा देखेगा. अपने जो रेड एयरमर्क मैंने दिखाया कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ड्राई एयर है, यहाँ पे मॉइस्चर का वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर वेरी लो. तो उस टाइम में क्या होगा, ये देखो बॉडी और ग्राउंड इसका कनेक्ट करने के लिए कोई रास्ता नहीं है. तो बॉडी अलग से चार्ज रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट अलग से चार्ज रहेगा. जब अपना बॉडी से दूसरा ऑब्जेक्ट टच करेंगे तो अंदर में चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी हो, दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज रहेगा. टच करने से क्या है, यहाँ से उधर इधर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मूवमेंट से करंट फ्लो होता है. जब भी मैं टच करेंगे इससे स्पार्क मारा है. ओके, यहाँ देखिए, इसमें देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दो पॉजिटिव है. इसमें एक ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव दो नेगेटिव है. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है.
यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट चार्जिंग में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट में चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज में रहेगा। ओके, जब ये दोनों ऑब्जेक्ट टच होगा तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए वो कोशिश करेगा। ये है अभी इन बैलेंस में है, ठीक है। जब टच होने के टाइम में क्या होगा, इधर उधर नेगेटिव और पॉजिटिव इधर उधर मूव करके दोनों को बैलेंस करने के लिए कोशिश करेगा, ये करंट फ्लो है। ओके, तो यही स्टैटिक चार्ज, इसी वजह से वो स्पार्क मारा है। यहाँ पे इसको अवॉइड करने के लिए क्या करता है, देखिएगा, मिनिमम आपको आर्क परसेंटेज 35% होना चाहिए। यहाँ पे उससे नीचे है, आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा। यहाँ पे घर में क्या कहता है, ह्यूमिडिफायर बोलता है। ह्यूमिडिफायर मतलब क्या, जो वाटर वेपर को रूम में हमेशा स्प्रे करते रहेगा। तो यही ह्यूमिडिफायर ये ऑनलाइन में मिलता है। यहाँ पे आपका छोटा 10 फीट का, 10 फीट रूम में ह्यूमिडिफायर के लिए आपका 100 रियल लेता है। यहाँ पे रियल में सामान मिलता है, तो 100 रियल लेता है। अगर बड़ा रूम में हिसाब से उसका दाम बढ़ेगा, ठीक है। ये यूज़ करके यहाँ पे घर में शॉकिंग होने का अवॉइड करता है। ये देखिए एवरेज ह्यूमिडिटी इन रियाद, ये देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, परसेंटेज में दिया है, और यहाँ पे मंथ दिया है। जनवरी में आपका 50%, ये देखिए 50% यहाँ पे गया हुआ है। फरवरी में 40% आसपास, मार्च 40 थोड़ा सा डाउन है, और मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 20% से नीचे है, 20% से नीचे है ह्यूमिडिटी। उसके बाद ऐसे अक्टूबर नवंबर इसमें बढ़ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल आपको ड्राई एयर है, ठीक है। इस टाइम में आपको वो जो स्टैटिक चार्जिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, और इस वीडियो बारे में कोई कमेंट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।